कप्तान विराट कोहली ने बताया विश्व कप से पहले टीम इंडिया में कहां है सुधार की गुंजाइश। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए आगामी वनडे विश्व कप से पहले एक सुधार की गुंजाइश भी बताई। उन्होंने कहा कि विश्व कप से पहले बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाना होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 90 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना ली है। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, एक बार फिर शानदार प्रदर्शन, हमने संतुलित बल्लेबाजी की, 325 का स्कोर अच्छा था। उन्होंने कहा, ड्रिंक्स के बाद मैंने प्रयास किया कि 34वें से 40वें ओवर के बीच आक्रामक बल्लेबाजी करूं ताकि 340 से 350 रन बन सकें। मेरे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को समय लगा। हमें विश्व कप से पहले इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। हमें इस दौरान 15 से 20 रन अतिरिक्त बनाने होंगे। विराट कोहली ने दोनों की तारीफ करते हुए कहा, वे हमेशा विकेट लेने को तत्पर रहते हैं जो अहम है। वे 40 रन देकर विकेट रहित रहने की बजाय 60 रन देकर ज्यादा विकेट लेना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक बार फिर कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। दूसरे छोर से युजवेंद्र चहल ने उनका बेहतर साथ निभाया और 2 विकेट अपने नाम किए। भुवनेश्वर कुमार को भी 2 सफलताएं मिली। मोहम्मद शमी और केदार जाधव ने 1-1 विकेट झटका। अब भारत को सीरीज का तीसरा मैच 28 जनवरी को माउंट मांगानुई के बे ओवल मैदान में ही खेलना है।